नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जब भी हम यूट्यूब को ओपन करते हैं, किसी भी वीडियो पर क्लिक करते हैं, तो फ्रेंड्स बहुत सारे यूट्यूबर अपना जो इंट्रो है उसके अंदर लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, इंट्रो लगाने के कुछ फायदे होते हैं, जैसे कि इंट्रो लगाने से आपका जो वीडियो होता है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, स्टाइलिश लगता है, टेक्निकल लगता है। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत से हमारे जो दर्शक होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको वो 5-10 सेकेंड का जो इंट्रो होता है वो अच्छा नहीं लगता है, वो उसको टाइम वेस्ट मानते हैं, वो देखना नहीं चाहते। तो फ्रेंड्स, कुछ फायदे होते हैं इंट्रो के, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने वीडियो के अंदर एनिमेटेड एनिमेशन का जो सब्सक्राइब का बटन है वो कैसे ऐड कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि हमारा जो वीडियो होता है वो काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगेगा और हम वीडियो बनाते रहेंगे उसके साथ ही उसमें वो सब्सक्राइब का बटन भी आएगा और बेल भी बजेगी। तो उससे फ्रेंड्स, हमारे जो ऑडियंस हैं उनका एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं होगा और हमारा वीडियो भी उन्हें काफ़ी स्टाइलिश लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने वीडियो के अंदर हम जो एनिमेशन का सब्सक्राइब बटन है वो किस प्रकार से बनाते हैं और बनाने के बाद में उसको अपने वीडियो के अंदर कैसे लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब एनिमेटेड बटन का इंट्रो बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से काइन मास्टर ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। चूँकि मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखी है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, ये ओपन होगी और यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। न्यू फ्रेंड्स, इसके बाद में आपको 16:9 वाले को सेलेक्ट करना है और क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे हम क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फैन काइन मास्टर का जो पेज है वो इस प्रकार से हमारे सामने ओपन होगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद में एनिमेटेड सब्सक्राइब बटन का जो लोगो है, इंट्रो है, वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ चूँकि मैंने इसको पहले से डाउनलोड कर रखा है। तो फ्रेंड्स, इसको डाउनलोड करने का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। फ्रेंड्स, इसके बाद में हमें लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये मीडिया का जो ऑप्शन है, मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना है और हमारे चैनल का जो लोगो होता है उसको हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इसको सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा वीडियो को हम आगे सरकाते हैं। आगे सरकाने के बाद इस लोगो को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और छोटा करने के बाद फ्रेंड्स, इसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, लोगो सेलेक्ट करने के बाद अब हमें लोगो पर वापस क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इन एनिमेशन का एक ऑप्शन नजर आ रहा है, अब हमें इस इन एनिमेशन पर क्लिक करना है। देन स्क्रॉल करके नीचे जाना है और यहाँ पर साइड अप का ऑप्शन नजर आ रहा है, अब हमें साइड ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर जो टाइम है एक पर ही रहने देना है। इसके बाद वापस हम नीचे आएंगे और अब आउट एनिमेशन पर हम क्लिक करेंगे। आउट एनिमेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें स्लाइड डाउन, ये जो स्लाइड डाउन का ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक करना है। देन यहाँ पर भी जो एक लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट रहने देना है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम वापस बैक आएंगे और वापस लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर जो टेक्स्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है हम इस पर क्लिक करेंगे। देन फ्रेंड्स, अब हमारे चैनल का जो भी नाम है वो यहाँ पर हमें टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर कलर नजर आ रहा है, कलर का ऑप्शन, अब हमें कलर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। देन जो आपका जो चैनल का नाम है उसका कलर सेलेक्ट करना है, जैसे मैं यहाँ पर ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पर फ्रेंड्स, ये AA फॉन्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट हैं, आप इनमें से कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लोटो बोल्ड ही रहने देता हूँ और फिर इसको थोड़ा आगे खिसका के इसको यहाँ पर एडजस्ट करना है। तो फ्रेंड्स, एनिमेटेड इंट्रो में आपका नाम एडजस्ट करने के बाद अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि दिखने में आसानी रहे। तो फ्रेंड्स, इसको एडजस्ट करने के बाद वापस हम इन एनिमेशन पर क्लिक करेंगे। ये जो इन एनिमेशन है, वापस हम इन एनिमेशन पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर स्लाइड अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको भी एक पर रहने देंगे। फिर वापस हमें बैक जाना है। बैक जाने के बाद फ्रेंड्स, वापस आउट एनिमेशन वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, स्लाइड डाउन वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है और देन सेटिंग है जो एक पर ही रहने देनी है। अब फ्रेंड्स, हमें क्या करना है कि यहाँ पर इसको ग्रीन कलर के बराबर इसको एडजस्ट कर लेना है। ये जो छोटा बड़ा कर सकते हैं, अब हमें इसे जो ग्रीन कलर है, ग्रीन स्क्रीन है, उसके बराबर एडजस्ट करना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा जो इंट्रो है सब्सक्राइब बटन वाला, वो एकदम तैयार हो चुका है, बहुत ही प्रोफेशनल इंट्रो लग रहा है। अब फ्रेंड्स, इसको हमें यहाँ पर जो ऊपर ऑप्शन नज़र आ रहा है एक्सपोर्ट का, पर क्लिक करके अब हमें इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो इंट्रो है सब्सक्राइब बटन वाला, वो बिल्कुल सेव हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें इसको यूज़ में कैसे लेना है। इस इंट्रो को यूज़ करने के लिए फ्रेंड्स, हमें काइन मास्टर को ओपन करना है। देन यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। 16:9 के रेशियो को सेलेक्ट करके क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें अपना जो कोई भी वीडियो है जिस पर हम इंट्रो लगाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लें। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं अपना कोई पुराना वीडियो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स, जहाँ पर भी हमें इंट्रो लगाना है वहाँ पर हम
शुरुआत में आके जहाँ पर भी हमें अपना इंट्रो लगाना है, जैसे कि मैं यहाँ पर अपना इंट्रो लगा देता हूँ, तो लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब हमें मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन से हमने जो लोगो बनाया उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। देन फ्रेंड्स यहाँ पर अब हमें नीचे स्क्रॉल करके नीचे जाना है और यहाँ पर एक क्रोमा की का ऑप्शन आएगा, क्रोमा की को हमें सेलेक्ट करना है। अब इसको इनेबल कर लेना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसको जहाँ पर भी लगाना चाहते हैं उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। देन अब हम इस वीडियो को प्ले करके देखते हैं। फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से ये आपका इंट्रो नज़र आएगा। तो इस इंट्रो के कारण फ्रेंड्स हमारा जो वीडियो होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल, टेक्निकल और अट्रैक्टिव नज़र आता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियोज़ बना के लिए आपके लिए लाता रहता हूँ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।